दोस्तों आज हम बात करेंगे, जेट का पेपर है वो सन 2013 का पेपर सोल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने 2002 से लेके 2013 तक सोल्व कर लिए हैं और आगे भी सोल्व करते जाएंगे। और बता दूं दोस्तों इससे पहले कि आईसीआर के भी ओल्ड पेपर है जो 2002 से लेके 2017 तक सोल्व करेंगे, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हैं उनके भी पेपर सोल्व करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई मनोज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो वो हमारा जेट का ओल्ड पेपर है। तो उससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों जो भी आईसीआर के पेपर अपलोड करवाना चाहता है, यानी कि किसी को आईसीआर के पेपर की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और इसके जो जेट के पेपर है वो आपको कैसे चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलते बात करते हैं, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे बेर का व्यावसायिक प्रवर्धन है यानी प्रोपोगेशन है वो किससे किया जाता है? या वल्ल्य विधि या टी कलेकाइन द्वारा किया जाता है। आगे की गोवंश की कौन सी नस्ल द्वीप प्रयोजनीय है? तो हरियाणा और थारपारकर है। आगे दुर्गापुरा मधु यानी किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दुर्गापुरा की है जो खरबूजा की है, दुर्गापुरा जो राजस्थान जयपुर के द्वारा निकाली गई है। आगे है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस फसल का मृदा अपरदन की समस्या है? तो राजस्थान के सर्वाधिक समस्या है तो वो वायु के द्वारा होती है। आगे बात करते हैं कि गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, तो ये पास्चुरेला होता है। आगे बात है कि वर्षाकालीन भिंडी हेतु बीज दर की आवश्यकता होती है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, मैंने हर बार आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आता है। तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। आगे है कि श्वेत गिटार किस फसल की मुख्य नासी कीट है? तो मूंगफली की होगी। आगे की भैंस की जफराबादी नस्ल का ग्रह क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो ग्रह क्षेत्र है तो वो मूंगफली होगा। आगे है कि आम संतरा तथा सेब पकने से पूरा फल गिरने को रोकने के लिए नियामक जीन कौन सा उपयोग लिया जाता है? तो ANAA या ऑक्जीन प्रयोग में लिया जाता है। कपास का कुल कौन सा है? तो कपास का कुल है वो मालवेसी है यानी कि मालवेसी। आगे है कि किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव के पाचन संबंधी विकारों के लिए किया जाता है? तो ये सब गोल का ये काफी बार ओल्ड पेपरों में आया है तो उनमें पूछा गया है। आगे रूबी किसकी किस्म है? तो टमाटर अनार की होगी रूबी। आगे है कि रूबी पूछा गया दोस्तों, तो पूसा रूबी पूछता तो टमाटर की होती, लेकिन रूबी है रूबी अनार की होगी, तो ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आगे कि लंबे लटकने कान, रोमन कान, छोटे समतल सींग, बड़े अयन और लंबे थन किस बकरी के नस्ल है? तो जमुनापरी के होंगे। आगे है मैंने एनिमल हस्बेंड्री की जमुनापरी है, ये सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री की करवा रखे हैं, तो हमारी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने करवा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ओल्ड पेपरों का और एनिमल हस्बेंड्री का, तो आप देख सकते हैं। आगे किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है? तो गन्ने की होती है। आगे है कि पशुओं की अरंडी का तेल उपयोग के रूप में किया जाता है, तो दस्तवार के रूप में लिया जाता है। अंतिम पकाओ बिंदु में अपव्यय का तापमान होता है तो यानी कि 105.5 डिग्री होता है, सेल्सियस होता है। आगे राजस्थान में बेर प्रूनिंग कटाई छटाई जो मध्य अप्रैल से मध्य मई में की जाती है, दुग्ध प्रोटीन है तो वो केसिन पाया जाता है दुग्ध प्रोटीन के रूप में। आगे है जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ यानी चिनोपोडिया एल्बम किस प्रकार का पौधा है? तो एक वर्षीय पौधा यानी कि किस प्रकार का, कौन एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय? तो एक वर्षीय पौधा होगा। आगे है 92 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति है तो यूरिया में कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो 200 ग्राम यानी आवश्यकता होती है किलोग्राम। आगे है चने में खरपतवारों को रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकाहारी का प्रयोग किया जाता है, तो वह है बुआई यानी फसल से पहले बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। आगे जापानीज इम्प्रूव यानी फूलगोभी की किस प्रकार की किस्म है? तो वो मध्यम प्रकार की है। आगे गोवंश में असामान्य भूख लकड़ी हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को बचाने के लिए लक्षण को न्यूनतम का संकेत देता है, तो फास्फोरस का न्यूनतम संकेत दिया जाता है। आगे गन्ने की बुआई हेतु लाए जाने वाले टुकड़ों के लिए कलिका आंख होनी चाहिए, तो तीन कम से कम तीन यानी कि बुआई के लिए
तीन अंक के होने चाहिए, 1, 2, 3 इस तरह से। आगे है, बीज का वास्तविक मान किस पे निर्भर करता है? तो बीज की वास्तविक मान है वो अंकुरण की प्रतिशतता एवं उनकी शुद्धता के आधार पे किया जाता है। आगे बात है कि बेर की किस्म है, अर्ली उमरान का चेन है जो गोधरा गुजरात में है। आगे है, अरका मर्दुला किस्म है तो अमरूद की अरका मर्दुला किस्म है। आगे नेक्स्ट है, एक भिंडी की बढ़वार काल होना चाहिए तो लंबा गर्म नम है यानी बढ़वारकार के लिए। केट फेस का एक विकार है तो टमाटर का केट फेस एक विकार है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, केट फेस किसका विकार है तो टमाटर का। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाएगा। आगे है, गुलाब के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकार यानी प्राधिकरण कब किया गया या कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर है। एगमार्क यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्ग कब बनाया गया था? तो 1937 में बनाया गया था। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है तो एल्कोहल टेस्ट की जाती है। विथेनिन पाया जाता है तो विथेमिनिन है वो अश्वगंधा में पाया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में जेट 2014 का पेपर सोल्व करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।